फैक्ट नंबर वन, स्वस्थ रहने के लिए इंसान हर दिन अलग अलग प्रकार के फल खाता है। किसी को पाइनएप्पल पसंद होते हैं, कोई चीकू के बिना नहीं रह पाता और कुछ लोग अनार के दीवाने होते हैं। लेकिन इफेक्ट उन लोगों के लिए है जो एप्पल खाने के शौकीन हैं। एप्पल को मिरेकल फ्रूट भी कहा जाता है और इसमें न्यूट्रिशन कूट कूट के भरा होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन एप्पल्स को आप खाते हैं उनमें से ज्यादातर एप्पल्स के छिलकों पर ढेर सारा यानी मोम लगा होता है। एप्पल खूब जूसी होते हैं और मॉइस्चर लॉस से बचने के लिए वो अपने छिलकों पर नेचुरल वैक्स डेवलप करने लगते हैं। लेकिन एप्पल्स को बेचने के पहले धूल निकालने के चक्कर में एप्पल फार्म के लोग इन एप्पल्स को खूब रगड़ रगड़ के धोते हैं और इस कारण एप्पल से सारा नेचुरल वैक्स निकल जाता है और इसीलिए इन एप्पल्स की शाइन भी चली जाती है। और फिर से चमकाने के चक्कर में इन एप्पल्स पर आर्टिफिशियल वैक्स लगा दिया जाता है। वैसे तो ये आर्टिफिशियल वैक्स इंसान खा सकता है, लेकिन कई बार घटिया क्वालिटी का वैक्स यूज करने पर इंसान इसको खा के बीमार भी हो सकता है। तो आप जब भी एप्पल खाएं तो एप्पल का छिलका उतारे बगैर उसको खाने की सोचना भी मत। फैक्ट नंबर टू, आपने कई बार इस जानवर को टीवी पर देखा होगा। इस जानवर का नाम कोआला है और ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दिखने में तो ये बेहद क्यूट दिखते हैं, लेकिन ये जानवर बेहद आलसी होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ इंसान और बाकी दूसरे जानवर पानी पिए बिना जिंदा नहीं रह पाते, वहीं कोआला को जिंदा रहने के लिए पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। मैं बताता हूँ, कोआला बेहद आलसी होता है और दिन रात वो यूकेलिप्टस पेड़ पर बैठा रहता है और इसी तरह वो दिन भर में बिल्कुल नहीं थकता। उसका भोजन भी यूकेलिप्टस पेड़ की पत्तियां होती हैं और ये पत्तियां 55% पानी से बनी होती हैं। जब भी कोआला की नींद खुलती है तो वो इन पत्तियों को खा के अपनी भूख और प्यास दोनों मिटा लेता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जहाँ इंसान गर्मी में कुछ समय रहने पर ही डिहाइड्रेट होने लगता है और उसको प्यास लगने लगती है, वहीं कोआला की बॉडी पर खास प्रकार के फर होते हैं और गर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाएं तो इन नन्हे मुन्ने जानवरों से मिलना मत भूलना। फैक्ट नंबर थ्री, आपने बचपन से ही ये सुना होगा कि शेर जंगल का राजा होता है और आपको ये भी पता होगा कि शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी माना जाता है। शेर अपना ज्यादातर समय आराम करने में बिताता है और 24 घंटे में से 20 घंटे वो अपनी बॉडी को रेस्ट देता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शेर यूं तो बेहद घातक होता है, लेकिन शेरों को भी इंसानों की तरह दोस्त बनाना और साथ में घूमना फिरना बेहद पसंद होता है। इसी के चलते सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में सबसे ज्यादा सोशल भी माना जाता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि शेरों में से भी अफ्रीकन शेर इस दुनिया के सबसे ज्यादा सोशल शेर होते हैं। अफ्रीकन शेर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और 12-15 शेरों के साथ पूरे जंगल का चक्कर लगाते हैं। इन शेरों के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है और इन सब में बेहद गहरी दोस्ती होती है। प्राइड के मेल लायंस अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और फीमेल भोजन के लिए अलग अलग जानवरों का शिकार करती हैं। शेर के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि शेर की दहाड़ इतनी तेज होती है कि इंसान 8 किलोमीटर दूर से ही शेर की इस आवाज को सुन सकता है। फैक्ट नंबर फोर, आजकल हर कोई अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा है और रनिंग से लेकर जिमिंग तक इंसान सब कुछ ट्राई करके अपनी बॉडी को एक्टिव रख रहा है। आपने जब भी सड़क पे या खुले मैदान में दौड़ लगाई होगी तो आपने ये पाया होगा कि भागने से आपकी सांस फूलने लगती है और जब आपकी सांस फूलती है तो आप नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इंसान अपनी सांस फूलने पर नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस ले सकता है, वहीं घोड़े अपने मुंह से कभी सांस नहीं ले पाते। और जब भागते भागते घोड़ों की सांस फूलती है तो उनके पास सांस लेने के लिए नाक के अलावा कोई और जरिया नहीं होता। घोड़ों के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि जमीन पर रहने वाले जानवरों में से घोड़ों की आंखें सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं। वैसे आपने कभी घुड़सवारी की है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर फाइव, आपने अपनी जिंदगी में
कई प्रकार के जानवर देखे होंगे और ऐसे अलग अलग दिखने वाले जानवर देख के आपके भी होश उड़ गए होंगे। जब भी आप सड़कों पे निकलते होंगे कोई ना कोई जानवर आपसे टकरा ही जाता होगा और हर जानवर से मिलके आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस आता होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कितने प्रकार के स्पीशीज पाए जाते हैं? नहीं सोचा ना, मैं बताता हूँ। ये धरती बेहद विशाल है और यहाँ सुंदरबन के जंगलों से लेकर अमेज़न के जंगलों तक हर जगह अलग अलग प्रकार के स्पीशीज पाए जाते हैं। लेकिन अगर इस पूरी धरती की बात की जाए तो इस धरती पर 87 लाख विभिन्न स्पीशीज पाए जाते हैं। इन 87 लाख स्पीशीज में से 65 लाख स्पीशीज जमीन पर रहते हैं और बाकी 22 लाख स्पीशीज पानी में। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि धरती पर रहने वाले स्पीशीज में से 76% जानवर हैं, 17% पेड़ पौधे हैं और बाकी 7% फंगी और बैक्टीरिया हैं। वैसे आपका सबसे पसंदीदा जानवर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 6। द जंगल बुक और मोगली जैसी बेहतरीन फिल्मों ने आपके भी होश उड़ा दिए होंगे और उस फिल्मों में दिखाए जाने वाले घने घने जंगलों ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? नहीं सोचा ना, मैं बताता हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल है और ये जंगल 55 लाख स्क्वेयर किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये जंगल इतना बड़ा है कि इस जंगल ने 9 देशों को कवर कर रखा है। ये जंगल ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, एक्वेडर, बोलिविया, गयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गुआना को कवर करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा 60% ब्राजील में है। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि अमेज़न जंगल में 390 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ पौधे हैं और यहाँ 1300 बर्ड स्पीशीज, 3000 अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, 430 प्रकार के मैमल्स और 25 लाख अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स रहते हैं। तो अगर आप कभी साउथ अमेरिका का चक्कर लगाएं तो दुनिया का सबसे घना और बड़ा अमेज़न जंगल देखना मत भूलना। फैक्ट नंबर 7। आजकल एक से एक विशाल टीवी आ गए हैं और ऐसे बेहतरीन HD टीवी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। आपके घर पे भी शायद सोनी, LG या MI का एक बड़ा सा टीवी होगा और आप उस टीवी पर लाइव क्रिकेट और लाइव फुटबॉल का मजा उठाते होंगे। लेकिन आज का हमारा ये फैक्ट टीवी पर नहीं बल्कि टीवी के रिमोट पर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब टीवी का वॉल्यूम एक ऑड नंबर होता है तो दुनिया के 95% लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वॉल्यूम को फिर से इवन करने के लिए फड़फड़ाने लगते हैं। अगर टीवी का वॉल्यूम 33 होता है तो 95% लोग उसको घटा के या तो 32 या फिर बढ़ा के 34 कर देते हैं। और जब तक वॉल्यूम एक ऑड नंबर रहता है तब तक लोगों का ध्यान वहां अटका रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आपका ब्रेन ऐसा क्यों चाहता है? मैं बताता हूँ। एक रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि ऑड नंबर्स और खासकर प्राइम नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए इंसान के दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहीं इंसानी ब्रेन इवन नंबर्स को फटाफट प्रोसेस कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रोडक्ट का नाम WD-40 है तो इसके बिकने की संभावना ज्यादा है। वहीं अगर इस प्रोडक्ट का नाम WD-39 है तो इंसान इस प्रोडक्ट को लेने के पहले 10 बार सोचेगा और ये ऑड नंबर उसके ब्रेन को कंफ्यूज कर देगा और इसी तरह इस प्रोडक्ट के बिकने की संभावना कई गुना कम हो जाएगी। फैक्ट नंबर 8। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बार बार अपने हाथ धोते होंगे लेकिन फिर भी आपको यही लगता होगा कि शायद आपके हाथ अभी भी गंदे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर पे ताला लगाने के बाद बार बार उस ताले को चेक करते होंगे और आपको फिर भी यही लगता होगा कि शायद कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो शायद आप OCD से पीड़ित हैं। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है और इस बीमारी में इंसान को एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की आदत पड़ जाती है। OCD में इंसान का दिमाग एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ के बैठ जाता है और इंसान एक ही चीज में अटक जाता है और अपना सारा समय बर्बाद कर देता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि 90% लोगों को खुद को ये नहीं पता होता कि वो OCD से पीड़ित हैं और वो बार बार एक ही चीज को करना एक आम बात समझते हैं। फैक्ट नंबर 9।
हर एक इंसान के लिए खाने पीने से भी ज्यादा जरूरी सांस होती है। आप बिना खाना खाए और बिना पानी पिए कई घंटे काट सकते हैं, लेकिन इंसान को बिना सांस लिए कुछ ही सेकंड्स में घुटन महसूस होने लगती है। जब आप छोटे होंगे तब आपने बाकी बच्चों की तरह कई बार कांच के ग्लास पर सांस छोड़ी होगी और ऐसा करके आपने ये पाया होगा कि आपका ग्लास अब धुंधला हो चुका है। आपको ये देखकर ये तो समझ आ गया होगा कि सांस लेने पर इंसान की नाक में से भाप के रूप में पानी निकलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन सांस लेने पर इंसान की बॉडी में से कितना पानी बाहर आता है? नहीं सोचा ना, मैं बताता हूँ। इंसान अपने पूरे दिन में सांस लेने पर करीबन आधा लीटर पानी सांस के जरिए बाहर निकाल देता है। जिस समय इंसान एक्सरसाइज करता है उस समय बॉडी में से सांस के द्वारा और भी ज्यादा तेजी से पानी बाहर निकलने लगता है। सांस का एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि बच्चे बड़ों के मुकाबले ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी सांस लेने की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।